बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू माय उम्रा सीरीज़। यहाँ पर मैं जो अपनी उम्रा की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग आई होप के पसंद करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लास्ट मैंने जो व्लॉग प्रीवियस जहाँ पर छोड़ा था, आज वहीं से मैंने स्टार्ट किया। हम लोग स्टिल मस्जिद नबवी में हैं। हमने फ़र्स्ट 2 दिन जो है ना, वो मस्जिद नबवी में मदीना मुनव्वरा में ही गुजारे थे। और मौसम अच्छा भी था, लेकिन दोपहर को ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होने लग जाती थी। और नमाज़ के बाद मेरा फेवरेट काम था कि नमाज़ तो हम लोग पढ़ लेते थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हम मस्जिद में गुजारते थे। बहुत बहुत सुकून मिलता था और बहुत अच्छा महसूस होता है। आज जब मैं ये वीडियोस वगैरह देख रही हूँ ना, तो मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना, और फिर से एक बार दिल कर रहा है कि दोबारा से आप वहाँ चले जाएं। इन गलियों को देखते हुए दिल ही नहीं भरता और ना ही दिल करता है कि वापस आ पाएं। मोहम्मद मोस्टली अपने बाबा के पास ही रहता था, क्योंकि मस्जिद के अंदर लेडीज़ और जेंट्स जो है दोनों साइड्स अलग अलग हैं। लेकिन इसको अभी दिल कर रहा था मेरे पास आने के लिए, तो बस ये अभी मेरे पास आ गया है। दोनों बहन भाई मस्जिद नबवी में इस तरह खेलते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी खेलने लग जाते थे, कभी मेरे पास आकर बैठ जाते थे और जी भर के आप जमजम पीते थे। पता है, ये देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बड़े सुकून से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के घर की, उसके नबी के घर की ज्यारतें कर रहे हैं और साथ में आप जमजम पी रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भी मस्जिद नबवी में बैठे हैं और असर की नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। असर की अजान होगी, फिर नमाज़ पढ़ के हम लोग होटल में जाएंगे और उसके बाद फिर हमने ईशा के बाद रियाजुल जन्ना जाना है। वहाँ का परमिट लिया हुआ है, अब हर चीज़ का परमिट लेना पड़ता है, उम्रे का भी और रियाजुल जन्ना का भी। हम लोग आज से तकरीबन 9 साल पहले जब आए थे, तब ऐसा परमिट वगैरह का कोई सीन नहीं था, लेकिन अब परमिट जो है वो लिया जाता है। तो ईशा के बाद हमें रियाजुल जन्ना जाना है। यहाँ पे बड़ा सुकून है, हमने सोचा कि जोहर से असर का टाइम जो है वो यहीं पे मस्जिद नबी में गुजारें और अच्छा टाइम गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह नफल वगैरह पड़े हैं और आप जमजम पिया है, और जिस जिसने भी दुआ का गाया सब के लिए दुआ की है, अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करे और सबकी दुआओं को कबूल करे। आमीन। बस असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग ना घर होटल में वापस आ गए थे। थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, खाना वगैरह खाया, और क्योंकि अब हमारी ना यहाँ पर 9 से 9:30 बजे रियाजुल जन्ना की जो परमिट था ना, वो हम लोगों ने लिया था, जिसकी डिटेल मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में जो है वो डाली है, तो आपको अगर देखना है तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। खैर, बच्चों को भी रेडी किया। मेरा इरादा था कि मैं बच्चों को भी साथ लेकर जाऊंगी। बच्चों का एज सच कोई परमिट नहीं था, 5 साल से छोटे बच्चों को आप वैसे भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन जीनिया क्योंकि बड़ी है तो उसके लिए उनको परमिट चाहिए था। बट लकीली ऐसा हुआ कि मैं उसको भी अंदर लेकर जा सकी और उन्होंने जो है ना वो परमिट उसका नहीं मांगा और मुझे कह दिया कि आप इसको भी साथ में लेकर जा सकती हैं। एनीवे, अभी हम मस्जिद नबवी में आ गए हैं और इतना कोई शदीद यहाँ रश था ना, मतलब आई डोंट नो, मैं तो काफ़ी टाइम बाद आई थी। अब प्रीवियस कुछ ईयर्स से मे बी ऐसा ही रश रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा शदीद रश था और समझ नहीं आ रही थी कि आपको कहाँ जाना है। एक तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, हमें अरबिक नहीं आती है और किसी से कुछ चीज़ पूछनी हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और दूसरा ये है कि प्रॉपर किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इनफैक्ट जो यहाँ पर गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, उनसे भी अगर पूछा जाए तो उनको भी एज सच बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है।
जेंट्स के लिए तो अलग से गेट्स बने हुए हैं और लेडीज़ के लिए एंटर होने के लिए अलग से गेट बने हुए हैं, और उसमें भी ना जिन लोगों के पास परमिट है वो अलग गेट से जाते हैं, और जिनके पास परमिट नहीं था उनका एक अलग ही हजूम था जो कि एक अलग गेट से एंटर हो रहा था। तो हम लोग पहले एक गलत गेट में एंटर हो गए, ये गेट नंबर 32 है, जहाँ पर जो नॉन परमिट पीपल है ना वो लोग, वो लेडीज़ जा रही थी। तो हम लोग गलती से यहाँ पर एंटर हो गए और यहाँ पर इतना शदीद रश था, और थैंकफुली मैंने जल्दी ही वहाँ पर किसी से पूछ लिया कि किस तरह से हम लोग अंदर जाएंगे रियाजुल जन्ना और क्या प्रोसेस है, यहाँ तक तो हम आ गए हैं। तो फिर पता चला कि आप लोगों हम लोग यहाँ पर गलत गेट पर आ गए। मेरे पास क्योंकि मोबाइल में परमिट था, मैंने जब उन्हें शो किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गेट नंबर 37 के पास जाना है, ये गेट नंबर 32 है। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा से एक लंबी वॉक की और गेट नंबर 37 के बाहर गए, क्योंकि गुम्बदे खजरा जो है ना, वो जो ग्रीन डोम है वो गेट नंबर 40 पर है, और वहाँ तो लेडीज़ का जाना अलाउ नहीं है। तो उससे पहले कुछ गेट्स हैं जहाँ पर रियाजुल जना अंदर हमें मिलता है। तो बस यहाँ पर मैं अब दोबारा से एक अलग से क्यू में आ गई थी, हम यहाँ पर बाहर आ गए थे और यहाँ पर भी एक लंबी क्यू थी, बहुत सारे यहाँ पर गार्ड्स थे। ऐसा लग रहा था अंदर जाना आज बिल्कुल नामुमकिन होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब जो चीज़ अल्लाह ताला ने नसीब में लिखी होती है ना वो आपको मिलकर रहती है। हम लोग यहाँ पर तकरीबन 8:30 बजे की लाइन में लगे हुए थे, ईशा के फ़ौरन बाद से लाइंस में लगे थे, और हमारी जो टर्न है वो तकरीबन 9:30 पर आई थी कि हम लोग अंदर जा सके थे। हाँ, आप कैसी, प्यास बहुत लग रही है, लाइन में रहें, लाइन में। मस्जिद नबवी में जी ने इधर इधर इस साइड पर इधर की खुशबू आने लग गई है, खूबसूरत खुशबू, माशाल्लाह। जैसे ही ईशा की नमाज हुई ना, ऐसे लोगों की लाइंस लगना स्टार्ट हो गई थी ना, जिनकी 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी वो भी लाइंस में लगे थे, और जिनकी 11 बजे की रात की अपॉइंटमेंट थी ना वो भी लाइंस में लगी हुई थी। तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ना उनको मैनेज करने में, और लेकिन थैंकफुली वो लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि वो लोग मैनेज कर ही लेते हैं। और यहाँ आने का ना बेस्ट टाइम यही है कि आप या तो फजर के बाद की अपॉइंटमेंट ले लें और या फिर ईशा के बाद की ले लें, ताकि थोड़ा ठंडा हो, वरना गर्मी में बाहर लाइंस में खड़े होना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पर रोज़े की जालियों के आगे लेडीज़ साइड पर तो कुछ पर्दा और ये पार्टीशंस वगैरह दी हुई हैं, तो वो तो हमें देखना अलाउ ही नहीं है, और लेकिन रियाजुल जन्ना पे यहाँ पर इस स्पेशल कारपेट पर हम लोगों ने नफल वगैरह पढ़े। परमिट लेने का ना ये फ़ायदा हुआ था कि हम लोग वहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बहुत ही सुकून से बैठे थे, नवाफिल पढ़े थे, माशाल्लाह मैंने 8 नफल यहाँ पर पढ़ लिए, इतना सुकून था और इतना ज़्यादा उन्होंने हमें टाइम दिया। उसके बाद दुआएं भी मांगी, और उसके बाद फिर आते हुए बिल्कुल लास्ट में मैंने छोटे छोटे से ये क्लिप्स लिए घर वालों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि जो आता है उसको भी देखने का दिल करता है, और जो नहीं आया उसको भी अल्लाह ताला, मैं दुआ करती हूँ कि बार बार बुलाए, उसके भी नसीब में ये जगहें ज़रूर हों, और अल्लाह ताला सभी की हाजात को, सभी की दुआओं को पूरा करें, आमीन सुमा आमीन। बस बाहर आने के बाद भी हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़े रहे, और यहाँ पर खड़े होकर गुम्बदे खिसरा को देखकर दुआएं मांगते रहे। जब बच्चे साथ में होते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम मैंने उमरा किया था तो जीनिया बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे उसको संभालना भी होता था साथ साथ में, लेकिन इस बार माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतनी अच्छी एज में थी ना कि मुझे साथ साथ उसको बाकी सारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है मेरे इन्फॉर्मेशन में वो सारा कुछ साथ साथ में उसके साथ शेयर कर रही थी, उसको बातें बता रही थी। और यहाँ पर ये देखें, ये अम्ब्रेला अब जो है ना वो रात के टाइम क्लोज़ हो रही है, तो थोड़ा सा मैंने इसका भी क्लिप लिया। अपनी इबादत को मैंने इन सब के बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, जहाँ पर इबादत करनी होती थी, नमाज पढ़नी होती थी, मैं उन सब चीज़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती थी। बस जहाँ पर मुझे लगता था कि अब थोड़ा सा मेरे पास टाइम है और मैं यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर या वीडियो लेकर अपनी थोड़ी सी मेमोरीज़ बना सकती हूँ, बस वहाँ पर मैंने बनाई छोटे छोटे क्लिप्स से। यहाँ पर मैं आप लोग के साथ 2-3 दिन में जो लिए हुए व्लॉग्स में ऐड कर रही हूँ ना, ये सब क्लिप्स हैं।
और अब के बाद जब भी मैं इसको देखूंगी ना, मुझे हमेशा से ये सब कुछ याद आएगा, ये सब चीज़ें रिकॉल होंगी। खैर, हमारे यहाँ पे 2 दिन का स्टे था, इसके बाद हम लोगों ने कल जोहर के बाद ना निकलना है मक्का मुकरमा के लिए, उमरे के लिए, और उसके बाद वापसी पे दोबारा से फिर हमारा 2 दिन का मदीना में स्टे था। खैर, जैसा भी एक्सपीरियंस रहा, रश बहुत ज़्यादा था, बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे, वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन इस सब के साथ साथ जो एंड रिज़ल्ट पे आपको ज़्यारतें होती हैं ना, जिसके लिए आप ज़िंदगी भर इंतज़ार करते हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बस इसी सब खुशी के साथ रात को हम लोग वापस आए थे, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का यहाँ से क्लिप स्टार्ट हो जाता है। हम लोग फजर नमाज़ पढ़ के ना तो होटल में वापस चले जाते थे, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके थोड़ा फ्रेशन अप होकर क्या बच्चों है? को लेकर वापस आते थे जोहर के टाइम। स्पैरोज़ है, पिजन है, कितने सारे पिजन है। ठीक है। हम जोहर की नमाज पढ़ के फिर निकलेंगे मक्का के लिए। बस यहाँ पे जोहर पड़ी और उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल में चले गए, क्योंकि आज हमें यहाँ से चेकआउट करना था। अभी हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया है। बस यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे, सब बिल्कुल रेडी थे, सामान वगैरह हम लोगों ने ट्रॉली में नीचे भेज दिया था, और हम लोग जा रहे थे बाय कार, और बस उसके लिए हमने यहाँ पर होटल वालों से ही ना कार बुक करवा ली थी, जो कि 7 सीटर थी, बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी 6 मेंबर। ऊपर क्यों बैठ रहे हो? चलो वैसे चले, प्रेस डाउन। अबू ये स्ट्रॉलर जरा पकड़ लें। जी मामा, ओके ओके ओके, आप जीत, ओके आप जीत। अच्छा मामा, इस व्लॉग को मैं आज यहाँ पर ही ख़त्म करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आगे की डिटेल, जिसमें हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह मक्का मुकरमा पहुँचेंगे। सो स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, एंड डोंट 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 फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।